ओके सो शरहान एक्चुअली ना मैं आज का इंट्रो ना बहुत डिफरेंट देने वाली हूँ ठीक है रेडी 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 ओके सो ये द शो टाइम है और ये शरहान है और ये हमारी फारी हो रही है <laughs>

मगर अपना नाम कब आएगा मेरा अगली फिल्म में अपना नंबर ही आएगा सारे नाम हमारे ही होंगे तो रिटर्न एंड डायरेक्टेड बाय शरहान सिंह फिल्म बाय शरहान सिंह शरहान सिंह प्रोडक्शन और एक बच्ची कुछ जगह थी लिरिक्स बाय शरहान सिंह कहते हैं मैं क्या गाना ही एक क्या यार पांच होते तो मैं साइड हो जाता यार और लोगों को मौका मिलता तो दिस वॉज अ वन सॉन्ग विच वॉज टाइटल सॉन्ग आई रिटर्न लॉन्ग बैक टू थाउजेंड में और मूवी आई रोट इन टू सो दो हज़ार सोलह और 12 का जो कॉम्बिनेशन है तो बहुत साल लगे मुझे इतनी जगह नाम लगाने के लिए एक दिन की या mm. एक साल की या दो साल की तपस्या नहीं थी ये बड़े लंबे टाइम का ये काला पानी था जो मैंने निकाला है mm. तो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर बोलते हैं वो जैसे बोलते मतलब लक बाय चांस तो मैं एक्सीडेंटली प्रोड्यूसर बनाऊँ तो आई वॉज नॉट सपोज टू डू दिस मूवी एज ए प्रोड्यूसर तो मेरे एक और फ्रेंड है वो भी मेरे साथ जुड़े इवन डायरेक्शन आई वॉज नॉट सपोज टू डू तो मेरे एक फ्रेंड है ही वॉज बिजी तो मेरे जितने धोखेबाज हैं ना सब दोस्त कमीने होते हैं ये उनकी वजह से ये क्रेडिट गोस टू दैम जिन्होंने मुझे धोखा दिया कि भाई मैं आऊँगा मैं आऊँगा मैं आऊँगा वो पांचों गायब हो गए तो तब तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने मुझे सीखने का मौका दिया है और नाम बनाने का मौका दिया है सो आफ्टर टू इयर्स अब वो मुझे कहीं भी मिलते हैं तो मैं हाथ पकड़ के बताऊँ थैंक यू यार कहता क्या, क्या हुआ मगर भाई तेरी वजह से मैं तेरा काम सीख गया तेरे की तेरी जरूरत नहीं रही मुझे अभी तो डेडिकेटेड टू टू ऑल दी धोखेबाज फ्रेंड्स यस सो आई वुड से थैंक्स देम एंड

तो मैं क्या नहीं कर सकते है डायलॉक नहीं बोले जाएंगे एक्टर से फिर मैं फरवरी में आया नौ दस फरवरी को तो मुझे बंदा बोलता है सर बारिश के आसार हैं कभी भी पड़ सकती है तो मैंने बोला अभी तो अब, अब मार्च में नहीं करूँगा मार्च में ठंड नहीं मिलने वाली कर दो शुरू तो वी प्लान शूटिंग थर्टीन फरवरी को तो तेरह फरवरी से लेके हमने बीस इक्कीस तक शूटिंग की इसकी और बड़े ठंड के मज़े लिए रात को सब जिसको शर्ट पहनानी थी जिसको ब्लेजर पहनाना था और जिसको नॉर्मल टी वो सब ऐसे करते सर मैं डायलग बोलूँ तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है ठंड में और रात में खड़े हैं ऊपर से बारिश हो रही है ठंड में तो सोचो आपका क्या हाल होगा आप गीले हो रहे हो ठंड में भी सो इट वॉज फन यू नो सियापे बहुत पड़े हमारी कभी लोकेशन कैंसिल हो जाती थी कभी हमारा आ, कैमरा मैन का गड़बड़ हो जाता था कभी हमारा कोई एक्टर बोलता पाजी मैं आज नहीं आ पा रहा हूँ यार मैं कहते सीन लगाए हुए हैं यार सर मैं पहुँच रहा हूँ मैं पहुँच रहा हूँ तो चीज़ें होती गई यहाँ से और सब कुछ ऐसा था कभी लैपटॉप का सीन है लैपटॉप नहीं है सेट पे और सभी लोग सब लोग बैठे हैं तो ये एक ऐसे ना जो फर्स्ट टाइम आपने एक नई टीम ली है तो नई टीम से पिछली गलतियाँ होती हैं क्योंकि आप नए लोग और नई तैयारी के साथ काम कर रहे हो तो आई डोंट ब्लेम दैम आई ब्लेम टू नई टीम जिनके लिए सीखने का एक्सपीरियंस था सो so, फाइनली आज वो एक्सपीरियंस एक मेमोरीज uh, बन गए कि यार यार तूने ये किया था तूने ये गड़बड़ की थी बट ठीक है किसी का कुछ ख़राब नहीं हुआ फाइनली वी आर बैक ऑन बोर्ड वी आर ब्रिंगिंग दिस मूवी इन थिएटर्स एंड शोइंग ऑन बिग स्क्रीन एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी जितने लोग इस फिल्म के साथ जुड़े हैं छोटे से लेके बड़े एक सीन से लेके पूरी फिल्म वाले ऑल आर न्यू मोस्ट ऑफ दैम और न्यू तो जो नए लोगों की एक फिल्म होती है उनका थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है उनका उनको थोड़ा क्रेज हो रहा होता कि नहीं यार मेरी फिल्म आ रही है तो ये फिल्म मेरी नहीं रही सबकी फिल्म होगी इस वजह से सो एवरीबडी इज़ हैप्पी कि ये मूवी जल्दी स्क्रीन पर आए और जितना मीडिया ने हमारा सपोर्ट किया और मीडिया और मेरे साथ जुड़े हुए लुधियाना जलंधर पटियाला क्योंकि ऑलरेडी मेरा पुराना कनेक्शन जो रहा है इट इट्स हेल्पिंग मी अलॉट बट ये ऑलवेज है क्योंकि आज मेरी फिल्म का टाइम था तो आई नीड एवरी सो इसलिए मेरा पहला जो प्रीमियर भी होगा तो मैं मीडिया वाले मेरे इन्वाइटेड हैं नॉट एज ए मीडिया वाले एज ए फ्रेंड दे कैन वॉच द मूवी बुरी लगेगी तो वो लगने वाली है नहीं मुझे पता है अच्छी लगने वाली है वो अच्छा अच्छा आप लिख देना इतना ही है तो कंसेप्ट क्या है मूवी का कॉमेडी है स्टोरी लाइक जैसे पंजाब में फिल्में चलती हैं मिस चार सौ बीस की थी मैंने तीन लड़कों चार लड़कों की कहानी थी कैरियन जट्टा मूवी थी तीन लड़कों की कहानी थी यारन मूल्य थी तीन लड़कों की कहानी थी तो ये मूवी भी तीन लोगों की कहानी है पहला मैं हूँ सेकंड लखविंदर है एंड थर्ड अमनदीप है अमनदीप बॉम्बे से है उसने सीरीज में काम किया तो उसको वहाँ से कास्ट किया था हमने लखविंदर ऑलरेडी पंजाबी फिल्में करते रहते हैं अदिति शर्मा एक, एक डिस्कवरी थी जो अभी मेरी फिल्म से मुझे समझ में आया कि मेरी फिल्म के बाद बड़ी फिल्में कर रही है मैडम और सयाबी सूरी है शी इज़ ऑलरेडी डूइंग सम बिग मूवी विद देव करोड़ तो हमारी ऑलरेडी हिरोइन हीरो ऑलरेडी हिट हो चुकी हैं फिल्म के आने से पहले उनके स्यापे तो शॉर्ट हो चुके हैं मेरे अकेले को स्यापे पड़े हुए हैं अभी

थिएटर्स में आपको लगता है कि लॉकडाउन के बाद फिर वैसा ही मिलने के देखिए अभी बहुत लंबा टाइम होगा क्योंकि एक ना ह्यूमन नेचर जो होता है यू गेट यूज्ड टू इट जहाँ समंदर के पास पानी है सुनामी आता तो लोग वहाँ पे रहना नहीं छोड़ते हैं, उसका हल निकालते हैं जहाँ पे ज्वालामुखी ब्लास्ट होते हैं तो वो घर नहीं छोड़ते उसका हल निकाल लेते हैं तो ये तो फिर कोरोना ऐसी बीमारी जो दिख भी नहीं रही है लोगों को जो फीलिंग में है तो इसका भी हल लोग निकाल ही लेंगे तो हमने बोला ठीक है देखी जाएगी कितने स्यापे एक आप और सही हमारी लाइफ में तो इसके बाद और कोई मूवीज प्रोड्यूस डायरेक्ट ले लिरिक्स अब तो अब तो मेरी नेट प्रैक्टिस हो गई है आई थिंक आई बी डूइंग मोर फिल्म्स कुछ और फिल्में जो अप्रैल मई में, में होंगी अगर कोरोना वाला सिस्टम ठीक रहता है अब रोड शूट कर सकते हैं तो आने वाले टाइम में अभी मेरे ख्याल से मेरे पास लाइनअप में फिल्में दो से तीन फिल्में मैं करने वाला हूँ आई होप वो फिल्में ऐसे ही जाएँ अच्छी लगें कोई गड़बड़ ना हो स्यापे वाले कोई फिल्म नहीं है और जस्ट वेटिंग फॉर देट टू स्टार्ट आफ्टर रिलीजिंग दिस फिल्म ये क्यों क्यों ने किया? Because, uh, बॉलीवुड वालों ने जैसे uh, उस पे Netflix जैसे अपनी आपने क्यों नहीं ऐसा सी यही प्रॉब्लम थी ये मुझे पता नहीं था नेटफ्लिक्स और अमेजोन में वो पंजाबी फिल्म लेते नहीं है मूवी अगर मूवी रिलीज हुई हो तो तभी हो वो ले पाते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता कि उनकी फिल्म में स्टार कास्ट होनी चाहिए जो स्टार कास्ट फेस वैल्यू होती है फिल्म के लिए तो हमारी फिल्म में मैं अकेले ही था जो स्टार नहीं हूँ जो सिर्फ कास्ट है और बाकी जितने लोग हैं वो सारे हमारे एक अच्छे, अच्छे अपकमिंग एक्टर्स हैं तो चैनल वालों को ये इतना बन नहीं पा रहा था बट क्रेडिट गोज टू अर लक और जो भी चीज़ें हुई हैं ये फिल्म रिलीज होने से पहले चैनल वालों ने ये फिल्म ले ली है तो पेशेंस बहुत दिखाया है आपने एक साल का दो साल बोले एक साल कोरोना को तो मैं गिनता ही नहीं हूँ कोरोना तो को तो मैं नहीं वो साल हमारी लाइफ बताऊंगा तो, मैं ही नहीं। जब जिसको तो एक साल मेरा कम ही जाता है। जो कागजों में भी आ, कि ये फार्मर्स जो शुरू हुआ है कोई भी सजा होती है कोई भी प्रोटेस्ट होता है किसी भी कोई भी काम होता है उसकी एक टाइम लिमिट होती है उसमें अगर आप चीज चल रहे हैं तो इट्स गुड बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि नुकसान सबको हो रहा है गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है कि वो कुछ अपने प्लान अपने एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे रोड्स ब्लॉक हैं लोग अपने कामों के लिए नहीं जा पा रहे हैं दूसरी तरफ किसान लोग हैं वो अपनी खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं और किसान अगर खेती नहीं करेंगे तो खाने की शॉर्टेज हो जाएगी खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी तो आई फील कि जो भी ये इशू हो रहे हैं जैसे लाल किला का इशू हुआ है जो भी दंगा बोलते हैं जिसको इट्स नॉट दंगा कुछ शरारती चीज़ें होती हैं जो बीच में है सब किसान जो निकले हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं इजी पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए उस पीसफुल प्रोटेस्ट में जो भी प्रॉब्लम हुई है अब उसके बाद सब बैठे क्योंकि प्रोटेस्ट में पंगे रोज नहीं हो रहे हैं अगर एक दिन कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है उसका क्या रीज़न था वो भी आपने देखा है आपने अरेस्ट भी किया है लोगों को बट हल क्या है कि आप अपने देश में एक ये हलचल क्रिएट हो रही है इसको ठीक करें गवर्नमेंट को लगता है कि देखना चाहिए कि इसका प्रॉब्लम क्या है उनको शोट आउट करके उनको अपने अपने घर भेजें ताकि वो भी पीसफुली जाके अपने घरों में रहें अपने काम करें दूसरों को भी काम करने दें और गवर्नमेंट भी अपने काम पे लगे। तो so, uh, कि आपको पता है आप पहले भी इंटरव्यू दे चुके तो हाँ, यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज uh, कीजिए फिल्में देखिए क्लब्स में आइए और अपने मेरी आने वाली कुछ फिल्मों में ये डायलॉग हमेशा हर फिल्म में मेरा रहता है तो बस यही है कि अपने आप को फिट रखिए और गलत चीज़ों से दूर रहिए क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं है जैसे हम स्यापे जरूर करते हैं पर गलत वाले नहीं सही वाले द शो टाइम एंड प्लीज लव माई फिल्म आप शो टाइम छब्बीस फरवरी को थैंक यू